बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बनाना स्वीट बॉल। स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, हमारी जो रेसिपी है आज की बनाना स्वीट बॉल, सबसे पहले मैंने बनानास लिए हुए हैं यहाँ पे केले, और दो दो मेरे पास केले थे और इनको मैंने कट कर लिया था। आप चाहे तो एज इट इज़ भी इसको मैश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। अच्छा जी, अब आगे के हम क्या करेंगे, मेरे पास आप देख सकते हैं ये मेरे पास मैदा है और ये 2 कप है। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दालचीनी का पाउडर और छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है, और ये 1/2 टीस्पून है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ खोपरा क्रश 4 खाने के चम्मचे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी मैश किए हुए बनाना जो मैंने लिए थे, मैश कर लिए, ये मैंने ऐड कर दिया। इसको डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने इसमें ऐड किया था बेकिंग सोडा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर, और दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी। अब इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा ये देखिए, मेरे पास चीनी है 1 कप, और इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसको हम हल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हल कर लें। ये देख सकते हैं मैंने इसको हल कर लिया है पानी में चीनी को, और अब मैं इसी पानी को जो चीनी के साथ मैंने हल किया था उसको मैं ऐड करती रहूँगी और इसको हम मिक्स करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा डालने के बाद। ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था और ये थिक सा इसका जो टेक्सचर है ये रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ऑयल है, और इसको मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे हम, जो बनाना हमारे स्वीट बॉल्स हैं। सारे बॉल्स बना लेंगे हम इसी शेप के, ठीक है। हम इसको हम पलट देंगे। ये देखिए रेडी हो गए, अब इसको मैं निकाल रही हूँ। इस तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे। ये देख लीजिए, हमारे मज़ेदार से स्वीट बनाना बॉल्स रेडी हैं, और आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।